गाइज, अगर भारत में कोई ऐसा शहर है जिसे घूमे बिना भारत दर्शन अधूरे हैं, तो वो शहर है ये। आप समझ गए होंगे मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की। मुंबई भारत के महानगरों में से एक ऐसा महानगर जहाँ पर हर साल तकरीबन लाखों नहीं करोड़ों लोग घूमने आते हैं, और जो मुंबई घूमने आता है वो इस जगह जरूर आता है। ये है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल, वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं मुंबई में घूमने की जितनी भी जगहें हैं वो सब की सब हम आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि हम बताएंगे कि उन जगहों में घूमने के क्या क्या रूल्स हैं, क्या टिकट्स हैं, कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, और कितना समय लगेगा आपको वो जगह घूमने में, और आपको कौन कौन सी एग्जैक्टली जगह पे कितना समय देना चाहिए। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना, और यदि आप नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस दबाएं लाल बटन और उसी के साथ दबाएं घंटे का निशान और ऑल नोटिफिकेशन। नंबर 18, बैंडस्टैंड प्रोमिनेंट। तो गाइस, ये है हमारी अगली जगह। इस जगह को बोलते हैं बैंडस्टैंड प्रोमिनेंट। मुंबई के वेस्टर्न एरिया में 15 से 16 मिनट का एक वॉक पाथ बना हुआ है जिसको लोग सुबह जॉगिंग के लिए यूज करते हैं। बैंडस्टैंड प्रोमिनेंट एक बीच साइट है और यहाँ पर बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी रहते हैं, जिस वजह से ये बीच एक पॉश बीच बन चुका है। तो बॉम्बे आने के बाद यहाँ का सनसेट एंजॉय करने के लिए आप बैंडस्टैंड प्रोमिनेंट आ सकते हैं। मुंबई के बांद्रा के वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी के कोस्ट पे एक पाथवे बनाया गया है जिसका नाम है बैंडस्टैंड प्रोमिनेंट। ये जगह बहुत पॉपुलर है जॉगर्स के बीच और उन लोगों के बीच जो समुन्दर की सॉफ्ट ब्रीज का मजा लेना चाहते हैं। बैंडस्टैंड के पास आपको फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर भी मिलेंगे, जैसे कि शाहरुख खान और सलमान खान का घर भी बांद्रा में ही पड़ता है। बैंडस्टैंड प्रोमिनेंट में आपको कई सारे टी स्टॉल, कॉफी शॉप्स, वॉकवे पाथ और सनसेट के दौरान एंजॉय करते हुए लोग दिखेंगे। बैंडस्टैंड में आप किसी भी समय आ सकते हैं और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 17, बांद्रा फोर्ट। गाइज, हमारी अगली जगह है कैसिला दे अग्वाड़ा। इसका मतलब है द फोर्ट एट दी वॉटर फ्रंट, या फिर इस फोर्ट का नाम है बांद्रा फोर्ट। जी हाँ, मुंबई का एक बहुत ही फेमस फोर्ट है बांद्रा फोर्ट, जो कि 1640 में बनवाया गया था पोर्तुगीज द्वारा। और ये फोर्ट उस समय एक वॉच टावर का भी काम करता था, जिसकी एक तरफ है महीम बे और दूसरी तरफ है अरेबियन सी। इसी फोर्ट में पोर्तुगीज ने 7 बड़ी तोपें रखी थी इस जगह की प्रोटेक्शन के लिए, और उसी के साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी बंदूकें भी थी, और यही फोर्ट समुन्द्र से आने वाले दुश्मनों से इस जगह की रक्षा करता था। तो अगर आपको बॉम्बे का फोर्ट घूमना है जहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है, तो आपको बांद्रा फोर्ट जरूर आना चाहिए। बांद्रा फोर्ट, जो कि कैसला दे अग्वाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है फोर्ट ऑफ द वॉटर फ्रंट। बांद्रा फोर्ट बनवाया गया था पोर्तुगीज द्वारा 1640 एडी के दौरान। फिर इस आइलैंड को मराठास ने हत्या लिया 1739 एडी में और इस जगह पे रूल किया 1774 तक, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस जगह को हत्या लिया यहाँ के फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के दौरान। बांद्रा फोर्ट बांद्रा के लैंड्स एंड में स्थित है, जो कि बांद्रा में एक वॉच टावर का काम भी करता है, जहाँ से महीम बे ऑफ साउथ और अरेबियन सी का वेस्ट साफ नजर आता है। बांद्रा फोर्ट ही वो जगह है जहाँ से आपको बांद्रा वर्ली सीलिंग भी बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। यह फोर्ट इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट के बीच बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग की गई है, जैसे कि दिल चाहता है, जाने तिया जाने ना और बुड्ढा मिल गया। बांद्रा फोर्ट की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक की, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 16, नेहरू साइंस सेंटर। 1977 में बनवाया गया नेहरू साइंस सेंटर पहले एक म्यूजियम की तरह डेडिकेट किया गया था साइंस और टेक्नोलॉजी को। इस सेंटर का नाम रखा गया है हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। 1977 में इसमें सबसे पहले शुरू किया गया था एक लाइट इन साइट एग्जीबिशन, और बाद में 1980 के दौरान यहाँ एक साइंस पार्क बनाया गया, और 1985 में श्री राजीव गांधी जी, जो कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नेहरू साइंस सेंटर पब्लिक के लिए खोल दिया। इस साइंस सेंटर में आपको 500 से भी ज्यादा वैरायटीज के एग्जीबिशन मिलेंगे, जिसमें इंक्लूडेड है वर्चुअल हार्प, नेल सीट और एक जाइंट हार्ट। नेहरू साइंस सेंटर में आपको मिलेंगे यहाँ के रेगुलर शोज, फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज, और इस साइंस सेंटर की स्पेस ओडिसी एंड साइंस इन स्पेयर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की, और इस सेंटर की एंट्री टिकट है 70 रुपए की। नेहरू साइंस सेंटर का आने का सबसे बेस्ट समय होगा अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। नंबर 15, माउंट मैरी चर्च। गाइस, ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है बेसिलिका ऑफ द लेडी ऑफ द माउंट, या फिर द माउंट मैरी चर्च। मुंबई के सबसे खूबसूरत चर्चों में से एक है द माउंट मैरी चर्च। ये समुद्र तट से तकरीबन 80 मीटर ऊपर बनवाया गया है, और ये स्थित है बांद्रा बीच पे। इस चर्च की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि यहाँ पर आज भी हीलिंग पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। जिन लोगों को कुछ नॉन क्यूरेबल बीमारियां होती हैं, वो भी यहाँ पर आकर ठीक हो जाते हैं। इसी चर्च के अंदर वर्जिन मैरी जी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू स्थित है। तो मुंबई के चर्चेज में से सबसे बेस्ट चर्च है माउंट मैरी चर्च। बांद्रा में समुद्र लेवल से तकरीबन 80 मीटर ऊपर एक हिल टॉप पे बसा है ये रोमन कैथोलिक बेसिलिका चर्च, जिसका नाम है माउंट मैरी चर्च। इसी चर्च में आपको मिलेगा वर्जिन मदर मैरी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैच्यू, और यहाँ की यह भी मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे दर्शन करने आएंगे तो आपकी सारी बीमारियाँ
ठीक हो जाएंगी। माउंट मैरी चर्च का दरवाजा और कोलाबा के होली नेम चर्च का दरवाजा डिक्लेयर किया गया है होली डोर्स ऑफ मर्सी के नाम से। क्रिश्चियन समुदाय के बीच मुंबई में यह जगह काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक और आना बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप बांद्रा घूमने आ रहे हैं तो वहाँ का माउंट मैरी चर्च एक न एक बार जरूर देखें। नंबर 14 कन्हारी केव्स। मुंबई के सबसे बड़े पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क के बीचों बीच आपको मिलेगा कन्हारी केव्स। कन्हारी जो कि संस्कृत लैंग्वेज के कृष्णगिरी या कान्हागिरी शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है ब्लैक माउंटेन। जी हाँ, कृष्ण मतलब काला और गिरी मतलब पर्वत, तो इसी नाम से कन्हारी पर्वत का नाम रखा गया है। यह माना जाता है कि ये कन्हारी केव बनवाए गए थे 1st century BC और 10th century AD के बीच में, जो कि उस समय बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल माने जाते थे। कन्हारी केव्स के अंदर आपको तकरीबन 109 केव्स मिलेंगे और मिलेंगी यहाँ के राउंड कट स्टेप्स, जो कि आज के समय में ट्रैकर्स के बीच काफी पॉपुलर है। कन्हारी केव्स आप आ सकते हैं यहाँ का जबरदस्त आर्किटेक्चर देखने के लिए, यहाँ के स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए। कन्हारी केव्स की टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से शाम को 5 बजे तक और मंडे को यह जगह बंद होती है और कन्हारी केव्स की एंट्री फीस है 15 रुपए की। तो अगर आप संजय गांधी नेशनल पार्क घूम रहे हैं तो कन्हारी केव्स भी जरूर घूमिएगा। नंबर 13 सिद्धि विनायक टेम्पल। गाइस यह है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है सिद्धि विनायक मंदिर। गणेश जी का ये मंदिर है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति सिर्फ 2.5 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी है। ये मंदिर बनवाया गया था सबसे पहले 1801 में और फिर उसके बाद 1990 में यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको रेनोवेट किया और 3 साल में ये पूरा रेनोवेशन इनका खत्म हुआ। अब यहाँ पे सिद्धि विनायक टेम्पल में ये मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे नंगे पांव दर्शन के लिए आते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सिद्धि विनायक टेम्पल के दर्शन करने आप जरूर आना। मुंबई में गणेश जी का वो मंदिर जहाँ गणेश जी की सिर्फ 2 फीट 6 इंच ऊंची और 2 फीट चौड़ी प्रतिमा रखी गई है, उस मंदिर का नाम है सिद्धि विनायक मंदिर। यह मंदिर जो कि 6 माले का मंदिर है, वह पूरे महाराष्ट्र में गणेश जी का सबसे स्पेशल मंदिर माना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में जो गणेश जी की प्रतिमा है उसमें गणेश जी की सूंड दाहिने तरफ है, जबकि बाकी प्रतिमाओं में गणेश जी की सूंड बाहिनी तरफ होती है। इस मंदिर को सबसे पहले बनवाया गया था 1801 में एक अमीर लेडी ड्यूबाई पाटिल के द्वारा, जिसके बाद महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इसे रेनोवेट करने का फैसला किया 1990 में और इसकी रेनोवेशन खत्म हुई 1993 में। सिद्धि विनायक मंदिर की एक बहुत बड़ी मान्यता है कि अगर आप यहाँ नंगे पांव चलकर आते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। सिद्धि विनायक मंदिर की टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से रात 10 बजे तक और मंगलवार को यह मंदिर खुला होता है दोपहर 3:15 से रात को 12 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। हालांकि सिद्धि विनायक मंदिर आने का सबसे बेस्ट टाइम होता है गणेश चतुर्थी के समय। नंबर 12 हाजी अली दरगाह। मुंबई में मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना गया है हाजी अली जी की दरगाह। हाजी अली जिनका पूरा नाम था सूफी सेंट सईद फिर हाजी अली शाह बुखारी। सईद फिर हाजी अली शाह बुखारी एक बहुत ही अमीर मर्चेंट थे जो कि प्रेजेंट डे के उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते थे। हाजी अली जी अपनी उदारता और दया के लिए काफी मशहूर थे और हाजी अली जी के आखिरी दिन उन्होंने मुंबई में इस्लाम को बढ़ावा देते हुए बिताए। हाजी अली जी की पुरानी दरगाह बनवाई गई थी 1431 में, लेकिन आज जो दरगाह आप देखेंगे वह 20वीं सदी की रीइंफोर्स्ड दरगाह है। तकरीबन 4,500 स्क्वायर मीटर में फैली और 85 फीट ऊंची यह दरगाह मुंबई की शान आज भी बढ़ाती है। इस दरगाह को मकराना मार्बल से बनवाया गया है, जिस मार्बल से ताजमहल को बनवाया गया था। हाजी अली दरगाह आने की टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से रात को 10 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। इस दरगाह में आपको थर्सडे फ्राइडे और संडे को सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी। नंबर 11 जुहू बीच। तो गाइस ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है मुंबई का फेमस जुहू बीच। जुहू बीच वो जगह जहाँ पे हमारे बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स का घर है और उन स्टार्स में सबसे ऊपर नाम आता है अमिताभ बच्चन जी का। हाँ जी, इसी बीच पे अमिताभ बच्चन जी का घर है और उनके अलावा बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स का घर इस बीच पे है। जुहू बीच मुंबई का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला बीचों में से एक है। इसी जगह पर आप गोवा की तरह सैंड और सी का मजा एक साथ ले सकते हो, बस पानी में पांव डाल के बैठो और अपना टाइम एंजॉय करो। तो मुंबई की टॉप प्लेसेस टू विजिट में जुहू बीच का नाम जरूर होगा। जुहू मुंबई की वो जगह है जहां पर आपको मिलेंगे काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर। मुंबई का जुहू बीच जो कि आपको कई सारी बॉलीवुड मूवीज में देखने को भी मिलेगा और इसी जगह पर है फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन जी का घर। 1890 में जमशेद जी टाटा जी ने यहां पे सबसे पहला घर खरीदा और यहां पे 1200 एकड़ की जमीन को डेवलप किया। तब से जुहू बीच मुंबई में काफी फेमस हो चुका है। जुहू बीच मुंबई की सबसे बेस्ट जगह है सनसेट देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए मुंबई का लोकल फूड।
जुहू बीच देखने के लिए आप किसी भी समय आ सकते हैं और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आपको इस बीच के सबसे ज्यादा मजे लेने हैं तो आप यहाँ आए विंटर्स के समय। नंबर 10, बांद्रा वर्ली सीलिंग। गाइस, जो अगली जगह आपको जरूर देखनी है वो है ये बांद्रा वर्ली सीलिंग, और इंडिया का सबसे बड़ा केबल ब्रिज, सस्पेंशन केबल ब्रिज है बांद्रा वर्ली सीलिंग, जिसका असली नाम है राजीव गांधी सीलिंग। बॉम्बे का ये ब्रिज चालू हुआ था 2009 में, जिसमें इसकी सिर्फ 4 लेन चालू हुई थी, और 2010 तक ये 8 लेन ब्रिज चालू हो चुका है और आज ये जनरल पब्लिक के लिए खुला हुआ है। इस ब्रिज पे जाने के लिए आपको टोल देना पड़ सकता है, जो कि 75 रुपए से शुरू है, और इस ब्रिज पे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। मुंबई और पूरे भारत की शान है मुंबई का ये सीलिंग ब्रिज, और बॉम्बे आने पे इस ब्रिज को देखना बनता है। भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज है जो कि बनाया गया है समुंदर के ऊपर। ये सीलिंग शुरू हुआ था 2009 में, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे 4 लेन शुरू की गई थी, और फुल्ली फंक्शनल सीलिंग शुरू हुआ 2010 में। इस ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया था श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा। मुंबई वर्ली सीलिंग तकरीबन 5.6 किलोमीटर लंबा है, जहाँ पर एक 8 लेन का आर्किटेक्चर खड़ा किया गया है, और अगर इसे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मार्बल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस ब्रिज में बांद्रा की तरफ तकरीबन 264 केबल लगी हैं और वर्ली की तरफ लगी हैं तकरीबन 160 केबल। मुंबई का सेंट्रल सबर्ब और वेस्टर्न सबर्ब जोड़ने वाला ये बांद्रा वर्ली सीलिंग आज के समय में मुंबई की शान है। आप बांद्रा वर्ली सीलिंग को सुबह से शाम तक कभी भी देख सकते हैं और इसे देखने की कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आपको इसे क्रॉस करना है तो आप ये सिर्फ गाड़ी से कर सकते हैं, क्योंकि 2 व्हीलर्स इस ब्रिज पे अलाउड नहीं है, और गाड़ी पे आपका टोल पड़ सकता है 70 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का। इस ब्रिज पे ड्राइव करने का सबसे सही समय होगा मानसून के समय या फिर लेट नाइट, जब यहाँ ट्रैफिक नहीं होता। नंबर 9, मुंबा देवी टेम्पल। गाइस, ये है हमारी अगली जगह, हम खड़े हैं मुंबा देवी टेम्पल के सामने। कहते हैं अगर आप मुंबई घूमने आए हो और आपने मुंबा देवी के दर्शन नहीं किए तो आपके मुंबई दर्शन अधूरे रह जाएंगे। मुंबा देवी वो देवी है जो कि माना जाता है कि समुद्र से बॉम्बे को बचा रखा है जिन्होंने। मुंबा देवी के टेम्पल है माता अम्बा का, और अगर आप बॉम्बे आ रहे हो तो ये जगह घूमनी बहुत जरूरी है आपको। अगर आप मुंबई घूमने आ रहे हैं तो यहाँ की मुंबा देवी टेम्पल के दर्शन करे बिना वापस मत जाइएगा। मुंबा देवी टेम्पल जो कि मुंबई के हार्ट में स्थित है, और ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉडेस अम्बा को। ऐसा माना जाता है कि जब मुंबई पे मुम्ब्राका नामक राक्षस का हमला हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियों से मुंबा देवी को प्रकट किया, जिन्होंने मुम्ब्राका का वध करके उसके पापों का अंत किया, और उसके बाद यहाँ पे मुंबा देवी का मंदिर बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि मुंबा देवी मुंबई की आज भी रक्षा करती हैं। मुंबा देवी टेंपल की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, और ये जगह मंडेज को बंद होती है, और यहाँ आने की कोई भी फीस नहीं है। हालांकि यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम होगा सर्दियों के समय या फिर नवरात्रों के समय। नंबर 8, चौपाटी बीच। तो भाई हमारी अगली जगह है ये है मुंबई की फेमस चौपाटी। तो चौपाटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो चौपाटी जो है ये एक बीच है, एक्चुअली दिस इज अ चौपाटी बीच। चौपाटी बीच मतलब चौपट्टी, मतलब चार पट्टी, इसका नाम रखा गया चार पट्टी। महाराष्ट्र की चार रिवर क्रीक्स यहाँ पे आके मिलती थी समुद्र से, तो इसलिए जगह का नाम चौपाटी रखा गया। ये बीच फेमस है बॉम्बे के स्ट्रीट फूड के लिए, जो कि आपको पूरे चौपाटी पे दिखेगा। मतलब जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये बॉम्बे का स्ट्रीट फूड है, और यहाँ पर आपको बॉम्बे का मिसल पाव भाजी, वड़ा पाव, रबड़ी, कुल्फी, शेक्स, बहुत कुछ मिलेगा भाई। इस जगह पे ऑलमोस्ट हर इवनिंग बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और इसी चौपाटी बीच से लग के रहता है मरीन ड्राइव। तो चौपाटी जरूर आए अगर आप बॉम्बे आ रहे हैं तो। मुंबई का वो बीच जो कि फेमस है गणेश विसर्जन के लिए। जी हाँ, गणेश चतुर्थी के दिन हजारों लोग गणेश विसर्जन के लिए जिस बीच पे आते हैं उसका नाम है चौपाटी बीच। चौपाटी मतलब चौपाटी, चार पट्टी, इसका मतलब है चार मराठी नदियाँ इस जगह पे आके मिलती थी, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा चौपाटी। मुंबई के मरीन ड्राइव के बगल में चौपाटी बीच मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस में से एक है। कपल्स, फैमिली और पॉलिटिकल रैलीज के लिए ये जगह एक बहुत ही बड़ा इवनिंग स्पॉट है। शाम को और स्पेशली सैटरडे नाइट को इस बीच पे आप लगभग पूरा मुंबई अपनी आंखों के अपने सामने देखेंगे। चौपाटी बीच पे ही मुंबई का सबसे बढ़िया स्ट्रीट फूड भी अवेलेबल है, तो अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो एक ही जगह पे मुंबई के टॉप अट्रैक्शंस और मुंबई का सबसे बढ़िया स्ट्रीट फूड आपको मिल जाएगा। चौपाटी बीच आप कभी भी आ सकते हैं, और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है, लेकिन यहाँ आने का सबसे बेस्ट समय होगा इवनिंग के समय जब सनसेट हो रहा हो। नंबर 7, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो गाइस, ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, या फिर ये जगह कहलाती है विक्टोरिया टर्मिनस। मुंबई के सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर में से एक है विक्टोरिया टर्मिनस, क्योंकि ये भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था 1888 में। ये पूरे मुंबई का सबसे बिजी रेलवे टर्मिनल है। हालांकि इसकी जो बिल्डिंग है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी गई है। रात को तो इनफैक्ट ये और भी बेटर लगता है।
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसे विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है जिसका स्ट्रक्चर इतना सुंदर है कि वो आपको कहीं और जाने से रोक लेगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसे CST के नाम से भी जाना जाता है वो डिजाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट SW Stevens ने और ये बॉम्बे जिसे गॉथिक सिटी कहते हैं उसका एक सिंबल बन गया ब्रिटिशर्स के राज में। विक्टोरिया टर्मिनस बनवाया गया था 1888 में और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर करा गया 2004 में। 1850 में द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे भी यहीं से ऑपरेट की जाती थी जिस वजह से इस जगह का नाम पड़ा बोरी बंदर। ये जगह आप पूरे दिन कभी भी देख सकते हैं और इसे देखने की आपको कोई फीस नहीं लगेगी। हालांकि इसे देखने का सबसे बेस्ट टाइम होता है रात का क्योंकि रात की लाइटनिंग के साथ ये जगह और भी सुंदर लगती है। नंबर 6 राजाबाई क्लॉक टावर। तो गाइस ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है राजाबाई क्लॉक टावर। 85 मीटर ऊंचा ये टावर मुंबई यूनिवर्सिटी के फोर्ट कैंपस में स्थित है। सर जॉर्ज गिल्बर्ट स्कॉट ने इसको डिजाइन किया था 1860s में और इसे बनवाने को फाइनेंस किया था प्रेमचंद रायचंद जी ने जो कि एक बिजनेसमैन और स्टॉक ब्रोकर थे उस समय के। इस टावर की सबसे खास बात यह है कि ये लंदन के बिग बैन टावर से मेल खाता है। डिजाइन इसका उसी तरीके से किया गया है। हालांकि ये जो टावर है ये मुंबई कैंपस के अंदर है तो आप इसमें नहीं जा सकते लेकिन इसको बाहर से जरूर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के कैंपस में खड़ा है 85 मीटर लंबा राजाबाई क्लॉक टावर। इस टावर को बनवाया था प्रेमचंद रॉयचंद ने जो कि एक बिजनेसमैन और स्टॉक ब्रोकर थे और इस टावर को डिजाइन किया था सर जॉर्ज गिल्बर्ट स्कॉट ने 1860 में। प्रेमचंद रॉयचंद जो कि 19वीं सदी के कॉटन किंग थे उन्होंने मेक श्योर किया कि वो अपनी अंधी माँ को टाइम पे खाना दे सकें और जिसके लिए उन्होंने ये क्लॉक टावर बिल्ड करवाया। इस टावर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1869 में और ये टावर बनके खत्म हुआ 1878 में। अभी प्रेजेंटली ये टावर टूरिस्ट के लिए बंद है क्योंकि ये टावर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के कैंपस के एरिया में आता है। हालांकि बाहर से आप 24 घंटे इस टावर को देख सकते हैं जिसे देखने की कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। नंबर 5 संजय गांधी नेशनल पार्क। तो गाइज ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। मुंबई सिटी की लंग्स की तरह काम करता है संजय गांधी नेशनल पार्क। 103 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है मुंबई सिटी के बीचों बीच और इतना बड़ा होने के बाद ये मुंबई सिटी की तकरीबन 20% लैंड को कवर करता है। तो अगर आप फ्लोरा के लवर हैं तो मुंबई आने पे आप संजय गांधी नेशनल पार्क बिल्कुल मत मिस करना क्योंकि इसी पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कान्हारी केव्स। मुंबई के लंग्स बोले जाने वाला 103 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है जिसने 20% मुंबई का एरिया घेर रखा है उसे कहते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। हर साल तकरीबन 20 लाख टूरिस्ट संजय गांधी नेशनल पार्क में आते हैं। इस पार्क की हिस्ट्री भी बहुत रिच है। इस पार्क का पहले नाम हुआ करता था कृष्णागिरी नेशनल पार्क इंडिपेंडेंस से पहले 1942 में जो कि बाद में बोरीवली नेशनल पार्क से भी मशहूर हुआ 1974 में। सुपारा और कल्याण के बीच में जो ट्रेड रूट था वो भी यहां के कन्हारी केव्स से होता हुआ जाता था और कन्हारी केव्स इस पार्क की एक और बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। कन्हारी केव्स में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स की प्रतिमाएं रखी हुई हैं माना जाता है कि वो 9th से लेकर 1st सेंचुरी BCE की हैं। इस पार्क में आप टॉय ट्रेन राइड बोटिंग सफारी नेचुरल ट्रेल्स खाना पीना पिकनिक सब कुछ कर सकते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क की टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक और यहां की बोटिंग की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक और ये पार्क मंडे छोड़ के हर रोज खुला होता है। इस पार्क की एंट्री टिकट है 64 रुपए और यहां आने का सबसे बेस्ट टाइम होगा मानसून के समय। नंबर 4 फिल्म सिटी। मुंबई का अगर कोई पर्यायवाची है तो वो है बॉलीवुड। जी हाँ, और मुंबई के टूरिस्ट के लिए बॉलीवुड की फिल्म सिटी घूमना तो बनता ही है। 520 एकड़ में फैली 16 एयर कंडीशन इंडोर स्टूडियोज और 42 आउटडोर शूट लोकेशन से भरी हुई है मुंबई की फिल्म सिटी। अगर आपको भारतीय सिनेमा बॉलीवुड की सबसे टॉप मूवीज के शूटिंग लोकेशन देखनी है तो आप मुंबई की फिल्म सिटी आ सकते हैं। मूवीज जैसे शोले, हैप्पी न्यू ईयर, नो एंट्री, देवदास और ऐसी बहुत सारी मूवीज। इस जगह की हिस्ट्री 1896 से चलती आ रही है जब यहाँ की सबसे पहली पिक्चर बॉस्टन होटल में फीचर हुई थी। भारत की सबसे पहली फुल लेंथ मोशन फिल्म प्रोड्यूस की थी दादा साहिब फाल्के जी ने और उन्हीं के नाम पे फिल्म सिटी का नाम रखा गया है जो कि है दादा साहिब फाल्के चित्रा नगरी मुंबई। 1997 में सिनेमा विजनरी लेट वी शांताराम, लेट बी आर चोपड़ा और लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार ने मिलकर महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एंड कल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया जो कि बाद में फिल्म सिटी के नाम से जानी गई। अगर आप फिल्म सिटी घूमना चाहते हैं तो यहां के 2 घंटे का गाइडेड टूर ले सकते हैं जो कि किया जाता है एक बस में और जिसके प्राइस है 600 रुपए। और अगर आप यहां पे शूटिंग भी देखना चाहते हैं तो वो आप अपने सेपरेट गाइडेड टूर में ले सकते हैं जिसकी कॉस्ट होगी तकरीबन 1700 रुपए। फिल्म सिटी घूमने का सबसे बेस्ट टाइम होता है सर्दियों के सुबह के समय नवंबर से लेकर फरवरी तक का। फिल्म सिटी की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। नंबर 3 मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव एक 3
किलोमीटर लंबा कंक्रीट का सी शेप्ड फुटपाथ बनाया गया है साउथ मुंबई में। सी फेसिंग फुटपाथ जहां लोग वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज और एक रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मुंबई का ये मरीन ड्राइव प्रोमिनाड क्वींस नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रात को लाइटिंग के साथ ये जगह एक नेकलेस की शेप में नजर आती है। मरीन ड्राइव का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था अंग्रेजों के समय, जब उन्होंने बैक बे रिक्लेमेशन एरियाज का डेवलपमेंट शुरू किया था। मरीन ड्राइव की डेवलपमेंट शुरू हुई थी 1915 में चौपाटी से और इसकी मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन खत्म हुई 1930 में। ये जगह 24 घंटे खुली होती है और यहाँ आने की कोई भी फीस नहीं है। लेकिन अगर आपको मरीन ड्राइव देखना है तो देखे सनसेट के समय, क्योंकि वही एक समय है जब आप दुनिया भूल के मरीन ड्राइव के सनसेट में खो जाएंगे। नंबर दो, एलिफेंटा केव्स। एक ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू केव्स को बोला जाता है एलिफेंटा केव, जो कि मुंबई से 10 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में बसे हैं। ये केव्स जहां है उस आइलैंड का नाम है एलिफेंटा आइलैंड, जो कि घारापुरी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये केव्स देखने जाना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा एक फेरी यानी कि एक बोट में, जो कि आपको मिलेगी गेटवे ऑफ इंडिया से। एलिफेंटा केव्स में 7 रॉक केव्स हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी गई है। इन 7 में से 5 केव्स डेडिकेटेड है हिंदू गॉड शिवाजी को और 2 केव्स डेडिकेटेड है बुद्धा जी को। पहली गुफा का नाम है द ग्रेट केव, दूसरी से पांचवी गुफा का नाम है कैनियन हिल और छठी और सातवीं गुफा का नाम है स्तूपा हिल्स। माना जाता है कि ये केव्स बनवाए गए थे 5वीं से 8वीं सदी के बीच में और इन केव्स को बनवाने का श्रेय जाता है कालाचूरी डायनेस्टी को। 15वीं सदी में पोर्तुगीज भी यहाँ आए और इस आइलैंड का नाम रख दिया एलिफेंटा आइलैंड, क्योंकि उस समय यहाँ पे एलिफेंट जैसी एक बहुत ही बड़ी चट्टान हुआ करती थी। इस केव में जाने की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक की और यहाँ जाने की फेरी आपको मिलेगी जाने के लिए सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और वापस आने के लिए दोपहर 1 बजे से शाम को 5 बजे तक। इस केव में एंट्री फीस है 40 रुपए और फेरी की फीस होती है 100 से 200 रुपए। एलिफेंटा केव जाने का सबसे बेस्ट समय होता है सर्दियों के समय, नवंबर से लेकर फरवरी तक का। नंबर 1, गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई में सिचुएटेड गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का सबसे फेमस स्ट्रक्चर है, जहां पर मुंबई आने वाला हर पर्यटक एक ना एक बार जरूर आता है। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा जब वहां के इंग्लिश रॉयल्टी इंडिया विजिट करने वाले थे। हालांकि गेटवे ऑफ इंडिया की फाउंडेशन रखी गई थी 1911 में, लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 1915 में, जो कि बन के खत्म हुआ 1924 में। ये जगह डिजाइन की गई थी आर्किटेक्ट जॉर्ज विटिट द्वारा, जिसकी ऊंचाई है लगभग 26 मीटर और इसकी चौड़ाई है लगभग 15 मीटर। गेटवे ऑफ इंडिया एक परफेक्ट जगह है कल्चर, ट्रॉपिकल सी और हिस्ट्री एक साथ देखने का। ये जगह 24 घंटे खुली होती है और यहाँ जाने की कोई फीस नहीं है। तो गाइज ये थी हमारी मुंबई की वो सारी जगहें जो आपको अगर मुंबई आ रहे हो तो घूमने जरूर आना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाएं लाल बटन, जिसके बाद आप घंटे के निशान के साथ दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन। भाई मैं तो जा रहा हूँ अभी एलिफेंटा केव, उसी की फेरी में बैठा हूँ, तो आप भी जल्दी बॉम्बे आए और मुंबई की सारी जगह घूमें। इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहाँ जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन